हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा दोस्त सैंडिक्स प्रो। लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। और मैं लास्ट वीडियो बनाने के बाद काफ़ी सोचता रहा कि किस पॉइंट पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने कल लाइव स्ट्रीम किया तो उस समय काफ़ी स्ट्रीमर्स आए, बोलते भाई आपका माइक और लाइव स्ट्रीमिंग पे पबजी के अंदर आप कैसे बात कर पाते हो। लाइव स्ट्रीमिंग पे तो वॉइस आती है हमारी भी, लेकिन हम हमारे पबजी टीममेट्स से बात नहीं कर पाते हैं। तो यह आपके मोबाइल में किस तरह वर्क करता है, काफ़ी इस पर मतलब सोचने के बाद मैंने इसको स्टडी किया और सोचा कि इस पर ही वीडियो बनाया जाए। चलिए फ्रेंड्स, हम इस पर इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से ये माइक वर्क करते हैं। जैसा कि मैंने इसमें काफ़ी कुछ सर्च किया इसके बारे में कि किस तरह से माइक वर्क करता है, और मुझे भी इस तरह की प्रॉब्लम इश्यूज़ आते थे। फिर मुझे मालूम हुआ कि ये इस तरह के इश्यूज़ OS बेस पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पहले ओप्पो का मोबाइल यूज़ करता था, उसमें भी इस तरह का माइक वर्क नहीं कर पाता था। वो भी कॉस्टली मोबाइल था लेकिन माइक वर्क नहीं कर पाता था। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले जो MI का मोबाइल परचेज़ किया, MI Note 4 लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो उसमें माइक वर्क किया। पबजी में भी माइक वर्क करता था और हमारे स्ट्रीमिंग पे भी। उसके बाद मैंने इस पॉइंट पे काफ़ी सोचा और देखा कि नोट 4 पे मैंने इस पर टेस्ट किया, उसमें भी वर्क कर रहा, नोट 5 प्रो में, और जैसा कि मैं अभी डिवाइस जो MI का यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी वर्क कर रहा है। तो मुझे ये चीज़ मालूम हुआ कि ये जो है OS बेस्ड माइक वर्क करता है उसके अपडेट्स में। जैसा कि MI UI 9 के बाद जितने भी मोबाइल बने हैं OS बेस MI के, MI UI 9 के बाद के जितने भी MI के मोबाइल हैं सब में ये वर्क करता है। और बात करेंगे हम, आप देखेंगे कि MI UI सपोर्टेड जो मोबाइल होते हैं उसमें सब में वर्क कर रहा है। एज ए कंपेयरिंग अगर आप देखेंगे, ओप्पो हुआ या रियलमी हुआ, ये कलर OS पे इस पर वर्क करते हैं। इनके कलर OS में अब इस तरह का वर्किंग मतलब अपडेट्स नहीं है जो आपके माइक को बहुत एप्लीकेशन में वर्क कर सके, लाइव स्ट्रीमिंग पे भी और पबजी में भी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी इस पॉइंट को टेस्ट कीजिएगा जैसा मैंने किया। मैंने ओप्पो में भी यूज़ किया, रियलमी मोबाइल्स में भी यूज़ किया, लेकिन वहाँ पर माइक वर्क नहीं किया। हाँ, वीवो के एक हैंडसेट में ज़रूर वर्क किया था, और एक चीज़ और, हुवाई के मोबाइल में भी वर्क करता है, क्योंकि हुवाई भी जो है वो भी शायद नहीं, उसमें अभी MI वर्जन आते हैं तो सॉरी OS उसका भी सपोर्टिव है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ओप्पो या रियलमी के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं फॉर लाइव स्ट्रीमिंग विथ पबजी, सो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, ये चीज़ वर्क नहीं करेगी बोथ साइड। स्ट्रीमिंग पे वर्क करेगी तो पबजी में वर्क नहीं करेगी, पबजी में वर्क करेगी तो स्ट्रीमिंग में नहीं करेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने टेस्ट करके देखा है और ये चीज़ मुझे मालूम हुई है। और जैसा कि हाँ, मैंने जितने भी हैंडसेट MI के यूज़ किए हैं सभी में ये MI के हैंडसेट में वर्क कर रहा है। इसमें स्नैपड्रैगन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं जितना MI UI जो वर्जन है 9, MI UI 9 से ही अपडेट्स वर्क कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको अपने किसी फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स के पास अगर MI का मोबाइल हो तो आप उस पर टेस्ट करके देख सकते हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि OnePlus के मोबाइल में भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, थोड़ा फर्मवेयर का प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इस टेस्ट को करके देखिए, और अगर सक्सेस मिलता है तो आप अपना हैंडसेट भी चेंज कर सकते हैं और बहुत साइड आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम सभी स्ट्रीमर्स को आती है, मुझे भी आती थी, लेकिन मैंने जो अपने नॉलेज से इसको गेन किया तो मैं चाहता था कि ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त जो चाहते हैं कि मेरे मोबाइल में भी बहुत साइड
वॉइस माइक वर्क करे, मैं अपने टीममेट से भी बात कर सकूँ, लाइव स्ट्रीमिंग पे अपने व्यूज से भी इंटरेक्ट हो सकूँ। तो दोस्तों यही एक पॉइंट है, आप इस पर इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। MI के मोबाइल्स में टेस्ट कीजिए, अगर आपके पास रियलमी या ओप्पो का है उसमें भी टेस्ट कीजिए, अगर आपको ये फ़र्क दिखता है तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप लोगों को कुछ मुझसे गेन हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं अपने चैनल को बूस्ट कर सकता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा मेरी तरफ से सजेशन था फॉर माइक वर्किंग। सो ये वीडियो भी आप इस पर भी कमेंट दीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया और कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और अगर आपके टेस्ट में भी ये बात सिद्ध होती है तो प्लीज़ मुझे इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप ही सजेस्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के बीच के ही टॉपिक्स लेके प्रेजेंट हूँ, और मुझे कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जितना मुझे मेरे नॉलेज से मैं दे सकता हूँ सभी दोस्तों को अपने पॉइंट्स बताते रहूँगा, ताकि वो भी अपने गेम के साथ साथ अपने हर डिवाइस में जो भी चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं तो उसको सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्यारा दोस्त एक बार फिर से सैलेक्स प्रो ये वीडियो लाया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सैलेक्स प्रो, और आपके सपोर्ट से हमें सफलता मिलेगी। बाय बाय टाटा।